तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि जो डेट्स होते हैं वो डेट्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये हम लोग यहाँ पर इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार हिस्ट्री क्या है, इतिहास का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है। डेट्स को लेकर एक्चुअली बहुत सारे धारणा जो है लोगों के बीच में बनी रही है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हिस्ट्री का क्या अर्थ है, हिस्ट्री का क्या मतलब है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, तो बहुत सारे लोग इसे सीधा सीधा किससे जोड़ देते हैं, डेट्स के साथ जोड़ देते हैं, यानी कि जिसमें डेट्स है वही आपका हिस्ट्री कहलाएगा। अब ये डेट कब लिखे जाते थे, तो डेट्स तब लिखे जाते थे जैसे कि कोई जब राजा वगैरह होते थे, तो राजा वगैरह जब कोई युद्ध को जीतते थे तो उस समय डेट को जो है वो दर्ज किया जाता था, या जब उनकी क्राउन होती थी, क्राउन मतलब ताजपोशी जब उनकी होती थी तो उस समय क्या होता था कि डेट्स वगैरह मेंशन की जाती थी। तो मैक्सिमम सिलसिला जो है वो डेट्स के हिसाब से चलता गया। तो बहुत सारे लोग ये कहीं समझ लेते हैं कि हिस्ट्री का जो मतलब है उसका क्या मतलब है, तो हिस्ट्री को सीधा सीधा वो कहते हैं कि भाई जहाँ पर डेट्स अवेलेबल वो हिस्ट्री है, तो ऐसा नहीं है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हो कि हिस्ट्री जो है वो सिनोनिम्स है किसके, डेट्स के, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब डेट्स आते हैं ना, तो जितने भी बच्चे होते हैं या जितने भी लोग होते हैं वो हिस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा उबाव पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग महसूस करते हैं यहाँ पर। सो हिस्ट्री डेट्स के कारण बहुत ज़्यादा जो है वो उबाव लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेट्स वगैरह हमें याद करनी पड़ती है। तो जो अभी ये धारणा हमारी चल रही है वो ये कि क्या रियलिटी में जो हिस्ट्री है वो डेट्स का सिलसिला है, क्या डेट से ही जुड़ा हुआ है क्या। तो ये जो धारणा है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो है क्या वो डेट्स का एक लगातार पहलू है, एक लगातार चलता हुआ चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। ये डेट्स के कारण ही बहुत सारी चीज़ों को रटनी पड़ती है, और इस डेट्स के कारण ही क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा उबाव महसूस होता है हिस्ट्री, और वो हिस्ट्री को बहुत ही बेहतर ढंग से बिल्कुल समझना पसंद नहीं करते हैं। सो लोग जो ये समझते हैं कि जो हिस्ट्री है वो एक्चुअली डेट का सिलसिला है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या ये जो कॉन्सेप्शन बनी हुई है, जो इस तरह की धारणा बनी हुई है, क्या वो सही है। तो चलिए हम लोग इसकी पड़ताल करेंगे कि आखिरकार हिस्ट्री का क्या मतलब होता है। सो फाइनली हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। बहुत से समय में जो पिछले अतीत में चीज़ें घटित हुई हैं उस चेंजेस के बारे में आपको हिस्ट्री बताती है। तो उस चेंजेस को, ठीक है, चेंजेस दैट ऑकर टाइम, जो पिछले समय में जो चेंजेस आपको दिखाई दे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। ये भी हमें बताती है कि पहले जो चीज़ें थीं वो किस तरह से चलती थीं, क्या क्या उसमें बदलाव आए हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री क्या है, चेंजेस दैट ओकर ओवर टाइम। तो सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ओकर ओवर टाइम को ही हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। और इससे हमें ये पता चल जाता है कि पास्ट में जो अतीत में जो चीज़ें घटित हुई हैं उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम इसको कंपैरिजन करते हैं कि अभी जो आपका प्रेजेंट है, यानी कि जो आपका वर्तमान चल रहा है, और जब पहले की बात करते हैं कि पहले क्या था और अभी क्या है, तो जब हम इस तरह की चीज़ें बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को टाइम से जोड़ देते हैं। हिस्ट्री को हम क्या से जोड़ते हैं, टाइम से जोड़ देते हैं। तो इस कारण से हिस्ट्री जो है थोड़ा सा टाइम से भी जुड़ जाता है। लेकिन हिस्ट्री का मतलब यही है कि जो चीज़ें पास्ट में घटित हुई हैं वो किस तरह से चेंजेस हुई हैं, क्या क्या चेंजेस दिखाई दिए हैं, दैट इज नोन एज द हिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि जो हिस्ट्री है वो डेट के वजह से ही आई हुई है। तो बहुत सारे जो टाइम की यहाँ पे बातचीत होती है वो क्यों होती है, दरअसल मैं आपको कुछ एग्जांपल देके यहाँ पे समझाना चाहूँगा। जो हिस्ट्री की बातें हैं वो आपके क्यूरियोसिटी के कारण भी आती हैं, यानी कि कुछ आपके जहन में सवाल पनप जाते हैं
जैसे चाय और कॉफी को लेकर, कहीं आप अगर चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं तो आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिरकार ये चाय कब आया था हमारे देश में, कॉफी कब आया था हमारे देश में। तो कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब जानने के लिए आप उत्सुक हो जाते हैं, आप क्यूरियस हो जाते हो, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको क्या करेगा, कहीं ना कहीं टाइम जानने का प्रयास करेगा कि भाई आखिरकार कब आया था हमारे देश में टी या कॉफी जो है वो कब आया था। तो कहीं ना कहीं ये आपको टाइम से रिलेट करेगा, बट इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री का पार्ट है। उसी तरह से दूसरा अगर हम एग्जाम्पल देखने की बात करते हैं तो वो आपका होता है ट्रेन। तो ट्रेन कब आई हमारे देश में, साथ ही साथ अगर जब ट्रेन नहीं थी तो उस दौर में जो भी लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार से आते जाते होंगे, वो लंबे लंबे दूरी को किस प्रकार से तय करते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल है आपके मन में क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है कि आखिरकार हमारे देश में ट्रेन कब आई, और जब तक ट्रेन नहीं थी तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको क्या कर रहा है, टाइम पता करने के लिए मजबूर कर रहा है कि भाई हमारी ट्रेन कब आई थी। उसी प्रकार से नेक्स्ट अगर आप देखते हो, दैट इज द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं ये भी तो आपके मन में आता होगा कि हमारे देश में न्यूज़पेपर पढ़ना कब शुरू किया गया, हमारे देश में न्यूज़पेपर कब आया, कब पेपरों में लिखा जाना शुरू हो गया, और इससे पहले किस प्रकार से हम लोग किसी भी मैसेज को ट्रांसफर करते थे। तो ये सब कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी जो है आपको मजबूर करता है कि आप उस डेट को, उस टाइम को जानें। सो ये सब चीज़ें जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करती हैं कि आप डेट को कनेक्ट कीजिए अपनी हिस्ट्री से। तो कहीं ना कहीं हम लोग हिस्ट्री को कह देते हैं कि वो एक डेट का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ घटनाओं पर आधारित है, बल्कि क्यूरियोसिटी भी आपको क्या करता है, उस हिस्ट्री को जानने के लिए कहीं ना कहीं डेट को क्या करता है, कनेक्ट करने का प्रयास करता है। सो यहाँ पर आप जैसा कि समझ गए होंगे कि ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रिफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम। तो ये जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हमने किया कि ट्रेन कब आई थी हमारे देश में, न्यूज़पेपर कब आया था, टी या कॉफी कब आया था, तो कहीं ना कहीं ये आपको मोटिवेट करती हैं, कहीं ना कहीं रिफर करती हैं टाइम को। तो ये हिस्टोरिकल क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं टाइम से जोड़ देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम टाइम से इसे जोड़ने का प्रयास करते हैं तो एक्चुअली एक पार्टिकुलर कोई ईयर के विषय में बातचीत कर रहे हैं या कोई एक खास मंथ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब आप एक प्रिसाइज डेट को फिक्स नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि ये जो चीज़ें हुई हैं, जैसे कि चाय पीना जो है कोई एक फिक्स डेट में नहीं हुआ होगा, धीरे धीरे इसकी आदत लगी होगी, उसके बाद ये लंबे समय तक चला होगा ये दौर, उसके बाद चाय का प्रचलन आ गया, कॉफ़ी का प्रचलन आ गया। न्यूज़पेपर एक दिन में नहीं आया होगा, एक दिन में आपको ऑकर नहीं महसूस हुआ होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर जब आया हुआ फिर लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ी होगी, फिर इसका उनको आदत हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें घटित हुई हैं, ये जो चीज़ें हमारे आसपास में जो चीज़ें ऑकर हुई हैं, वो क्या होता है कि एक स्पैन ऑफ टाइम जो है वो लेता है, मतलब कि एक लंबा समय लेता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि एक्चुअली ये हिस्ट्री का हिस्सा है। हिस्ट्री किसी एक दिन में नहीं बनी थी, बल्कि एक गुजरता हुआ वक्त था जो लंबा समय था, उस लंबे समय के दौरान काफ़ी चीज़ें चेंजेस नज़र आ रही थी। तो दैट इज़ द हिस्ट्री। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं ब्रिटिश रूल, कि हमारे देश में जो अंग्रेज लोग थे वो कब आए, तो एक एग्जैक्ट फिक्स डेट में नहीं आए होंगे, आए होंगे धीरे धीरे अपना असर दिखा रहे होंगे, उसके बाद क्या हुआ था कि धीरे 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 उनका साम्राज्य खड़ा हो गया, तो वो ब्रिटिश रूल बन गया। फिर उस ब्रिटिश रूल के खिलाफ क्या हुआ, बहुत सारे नेशनल मूवमेंट हुए, तो नेशनल मूवमेंट जो हुए बहुत सारे जो है आपके राष्ट्रीय आंदोलन होने शुरू हो गए। तो राष्ट्रीय आंदोलन कोई एक फिक्स डेट में नहीं हुआ होगा, एक फिक्स्ड मंथ में नहीं हुआ होगा और ख़त्म हो गया होगा, एक फिक्स्ड साल में नहीं शुरू होकर ख़त्म हो गया होगा, बल्कि इस मोमेंट को चलाने में काफ़ी लंबा समय बीता होगा, ठीक है। सो इस बात को ध्यान में रख के काम करनी है। सो अभी मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए ब्रिटिश रूल के, नेशनल मोमेंट के, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ऑल दिस थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, यानी कि एक लंबे समय, एक लंबे गुजरते वक्त के साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री। तो एक्चुअली हमारे मन में एक प्रश्न तो आ ही जाता है
कि जब ये एक लंबे समय के बीच में हुआ है और एक्चुअली जो घटित हुई है, जो चीज ऑकर हुई है पास्ट में, दैट इज द पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री. तो सवाल ये है कि वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स. तो हम इसको डेट के साथ क्यों जोड़ के देखते हैं, हिस्ट्री को हम डेट के साथ क्यों देखते हैं, इसका क्या कारण है? तो देखिए, इसका जो कारण है डेट के साथ जुड़ने का, वो कहीं ना कहीं आपके युद्ध से जुड़ा हुआ है. जो बड़े बड़े युद्ध होते थे, बड़े बड़े जो घटनाएं होते थे, तो उससे कहीं ना कहीं ये क्या होता था, जुड़ा हुआ होता था. तो जब बड़े बड़े युद्ध कब हुए हैं तो उस समय डेट को नोट किया जाता था, बड़े बड़े घटनाएं जो हुई हैं उस समय डेट को जो है वो नोट किया जाता था. और साथ ही साथ जो वहाँ के रूलर्स होते थे, जो राजा हुआ करते थे, तो वो किस तरह की कब किस टाइम पे कौन सा राजा वहाँ पे बन रहे हैं या उस समय उनकी क्या पॉलिसीज रही हैं, तो उस समय डेट के तौर पे हम उस चीज़ों को लिख रहे थे, हिस्ट्री को कवर कर रहे थे. यही नहीं, जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या किया था कि ये भी डेट मेंशन करना शुरू किया कि जो राजा है वो किस साल में कौन सा राजा है, किसकी ताजपोशी हो रही है, किसका मतलब क्राउन हो रहा है, किसको वो कहा जाता है कि मुकुट पहनाया जा रहा है, ताजपोशी किसको की जा रही है, किसको राजा बनाया जा रहा है. तो उस समय जो है आपके जो किंग्स को जब हम लोग क्राउन करते थे उस समय डेट को मेंशन किया जाता था, कब उस राजा की शादी हुई, कब उनके बच्चे हुए, ठीक है, साथ ही साथ कब उन्होंने एक कोई खास वॉर वगैरह जीता है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि डेट को मेंशन किया जाता था. साथ ही साथ वो राजा कब मरा, तो उस टाइम में भी क्या होता था कि डेट को मेंशन कर दिया जाता था. फिर जो एक्चुअली उस राजा ने आगे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए किस राजा को हराया वगैरह, उस समय भी डेट को क्या किया जाता था, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया जाता था. तो इस तरह की चीज़ों के लिए क्या किया जाते थे, जो हिस्टोरियंस थे कि राजा नए राजा आए हैं, उनका कब शादी हुई है, उनके कब बच्चे हुए हैं, वो कौन सी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, किस राजा को उन्होंने हराया ताकि वो राज कर सके, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जब हिस्टोरियंस लिखना शुरू करते थे तो ये जो हिस्ट्री है आपका डेट के साथ जो है वो कनेक्ट हो गया. सो आपको समझ में ये बात आ गई होगी कि कोई भी हिस्ट्री एक्चुअली एक डेट नहीं है, वो एक हिस्ट्री का पार्ट हो सकता है. डेट जो एक हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि पूरा डेट्स को ही हम हिस्ट्री बोलेंगे. जो तारीख है उस तारीख को ही आप हिस्ट्री बोलना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है. तो मैंने ये भी आपको बताया कि आखिरकार डेट्स क्यों जुड़ते चले गए हिस्ट्री में, तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया. और हिस्ट्री ऐसा नहीं कि डेट्स की वजह से उत्पन्न हो गई है हिस्ट्री. हिस्ट्री एक्चुअली किसकी वजह से भी उत्पन्न हुई है, आपकी क्यूरियोसिटी की वजह से. जैसा मैंने आपको बताया चाय का एग्जांपल देके कि चाय हमारे देश में कब आया, कॉफ़ी कब आया, कब पीना लोग शुरू किए, न्यूज़पेपर कब पढ़ना शुरू किए, ट्रेन कब आई, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है आपकी क्यूरियोसिटी से भी जन्म लेता है. तो ये एक्चुअली देखा जाए तो हिस्ट्री जो है, आप पूरी समराइज अगर करते हैं तो हिस्ट्री है क्या, तो हिस्ट्री एग्जैक्टली डेट्स नहीं है. हिस्ट्री जो है एक घटना है, एक कह सकते हैं कि जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं, जो घटनाएं दिख रही हैं और उस दौरान क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द हिस्ट्री. उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हिस्ट्री बोला करेंगे. सो बेसिकली इस पूरे चीज में हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या चीज है. तो हिस्ट्री जो है वो क्या है कि जो पहले जमाने में जो लोग रह रहे थे, वो जिस जगह पे रह रहे थे, उनके साथ जो जो चीजें घटित हुई हैं, तो उसको एक सीरीज में क्या किया गया, एक बहुत ही डिटेल के साथ लिखा गया, और उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं. और ये हिस्ट्री क्यूरियोसिटी के कारण भी जन्म ली है. और यही नहीं, उस समय के जो लोग थे, उनकी जो रहन सहन थी, जो उनकी जीवन शैली थी, उस पर क्या असर पड़ा है वो भी हम पता कर लेते हैं. उनके रीति रिवाज क्या थे, उनके कल्चर्स क्या थे, उनके क्या क्या धर्म थे, वो किन धर्मों में विश्वास करते थे, तो ये सब चीज़ें जो है वो हिस्ट्री का जो है एक आपका पार्ट है. साथ ही साथ उस जमाने में जो भी चीज़ें आपकी
राजनीतिक तौर पे या हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे जो चेंजेस आ रहे थे उसका भी डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं हमें जो है हिस्ट्री में मिलता है। तो हिस्ट्री जो है सिर्फ यही नहीं, और क्या बताता है हिस्ट्री हमें, हिस्ट्री और भी यही चीज बताता है कि अलग अलग जो चीजें थी उसका जो स्वरूप था वो समय के साथ साथ किस प्रकार से बदलता चला गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखते हैं ट्रेन, तो पहले ज़माने के जो ट्रेन थे और अब के जो ट्रेन है उसमें काफ़ी चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो वो किस तरह से चेंजेस हुई हैं इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। उसी प्रकार से और भी कई चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पहले ठंडे पानी को अगर लेते हैं, तो पहले ठंडे पानी हम लोग मटके के माध्यम से पीते थे, लेकिन आज हम लोग फ्रिज के माध्यम से पी रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आपको ओवर पीरियड के दौरान जो दिखाई दे रहा है, इट इज ऑल्सो अ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री है क्या? तो हिस्ट्री बेसिकली हम यही कहेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं किस दौर में, उसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हिस्ट्री है एग्जैक्टली एक डेट है, तो ये एक एग्जैक्टली डेट नहीं कह सकते हम लोग।